सोलन की पंचायतों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए जिला परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय सक्षम कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए खंड स्तर पर तकनीकी संस्थान टीम को सक्षम बनाया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला ग्रामीण विकास अधिकारी भानु गुप्ता ने बताया कि विभिन्न खंड स्तर पर तकनीकी संसाधन टीम के 21 सदस्यों को सक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत जियोग्राफी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के विस्तार से जानकारी दी जा रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और तकनीकी सहायकों को जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वह जहां एक ओर पंचायतों की मैपिंग कर सके, वहीं दूसरी ओर वह जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की मदद से पंचायतों में होने वाले विकासात्मक कार्यों की डीपीआर भी तैयार कर सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सर्वप्रथम पंचायतों में नदी नाले और पानी के स्रोत कहाँ कहाँ हैं और उन्हें किस तरह एक जगह संग्रह कर उसे सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इसमें मेनली जो फोकस है हमारा वो दो चीज़ों पे रहता है। एक तो जो जीआईएस मैपिंग किस तरह से पंचायतों में होनी है, उसके लिए हमने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट बुलाए हैं, वो पूरा दिन जो है आज इस के बारे में उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। और सेकेंडली जो डीपीआर प्रेपरेशन है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो इसके लिए डीपीआर का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर रहता है। तो गवर्नमेंट का जनरली ये फोकस रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट बने, जो भी हमारी स्कीम्स बने, उसकी जो डीपीआर है वो प्रॉपर हो। जिला परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय सक्षम कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया जा रहा है। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।